नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में कैश हुआ बरामद। जनपद कानपुर नगर आउटर क्षेत्र के महाराजपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारी के कुशल निर्देशन में महाराजपुर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगातार दो दिनों से काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आज की बड़ी खबर, रोडवेज बस में बड़ी मात्रा में बरामद हुआ कैश। जनपद फतेहपुर से कानपुर की तरफ आने वाली रोडवेज बस संख्या UP90T5655 को आयकर विभाग की सटीक सूचना के आधार पर महाराजपुर पुलिस द्वारा छानबीन के लिए रोका गया। पुलिस द्वारा छानबीन के दौरान बस में सवार अभियुक्तों के पास से लगभग 44 लाख रुपए बरामद हुए। थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों में सुरेश सोनी पुत्र स्वर्गीय राम कुमार सोनी निवासी छावनी थाना कोतवाली बांदा के बैग से 35 लाख रुपए तथा दूसरे अभियुक्त संजय जैन पुत्र स्वर्गीय शगुन चंद्र जैन निवासी कलवन गंज चौकी के पास थाना कोतवाली बांदा के बैग से 5,50,000 रुपए, तीसरे अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी गायत्री नगर बबेरू रोड चौराहा थाना कोतवाली बांदा के पास से 3,50,000 रुपए की रकम बरामद की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इनमें से कोई भी किसी प्रकार का प्रपत्र नहीं दिखा सका, जिसके आधार पर आयकर विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें आयकर विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। ठीक सर, 5,000 दे दीजिए।